हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे। दोस्तों एक बार फिर से अवध विश्वविद्यालय की अवध सीरीज में बीएड सेकेंड ईयर पेपर थर्ड के कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करते हैं आसान से शब्दों में, बोलचाल की भाषा में, ताकि जब आप पढ़ें तो आपको वो चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएँ और आप एग्ज़ाम में लिख सकें। दोस्तों 1 से 15 तक के प्रश्न हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 16 विच इज़ बौद्ध शिक्षा के योगदान को स्पष्ट करिए। तो बौद्ध शिक्षा वैदिक कालीन शिक्षा के बाद आने वाली शिक्षा थी, जिसमें वैदिक कालीन शिक्षा की जो कमियां थी उसको दूर करते हुए एक नई शिक्षा पद्धति शुरू हुई। तो इसके मुख्य उद्देश्य क्या थे दोस्तों, इनका योगदान क्या था शिक्षा में। सामान्य विद्यालयों के आयोजन, एक ऐसा विद्यालय जिसमें हर एक वर्ग के बच्चे पढ़ सकते थे। सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षा का आयोजन, स्त्रियों के लिए उच्च शिक्षा का आयोजन और खेल कूद एवं शारीरिक व्यायाम का आयोजन। ये जो पॉइंट है ना, वो हर एक शिक्षा में रखा गया था। प्राविधिक एवं वैज्ञानिक शिक्षा का आयोजन, ठीक है दोस्तों। व्यवसायिक और लाभप्रद विषयों की शिक्षा का आयोजन वहाँ पे किया गया। लौकिक एवं सामान्य विषय की शिक्षा प्रदान करना और बहुशिक्षक और सामूहिक शिक्षा, एक साथ और एक बच्चे को कई प्रकार की शिक्षा देने का यहाँ पे योगदान बौद्ध शिक्षा के द्वारा मिला था। उच्च स्तर पर सैद्धांतिक और प्रयोगात्मक, प्रैक्टिकल और थियोरेटिकल दोनों शिक्षा की बात की जा रही है बौद्ध शिक्षा के योगदान में। लास्ट बट नॉट लीस्ट, लोक भाषाओं को प्रोत्साहन और उनको शिक्षा का माध्यम बनाना यहाँ पे वैदिक कालीन शिक्षा में रखा गया था। तो दोस्तों ये एक पॉइंट था बौद्ध कालीन शिक्षा में योगदान। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे है जो कि पिछले प्रश्न से मिलता जुलता है और इसको जरूर डिस्कस करना चाहिए। बौद्धकालीन एवं वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली में दो समानताएँ और एवं दो असमानताएं बतानी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने जैसा कि बताया, जो बौद्ध शिक्षा प्रणाली थी ना, वो वैदिककालीन शिक्षा के बाद, यानी कि वैदिककालीन शिक्षा का अनुकरण करके बनाया गया था, उसको नकल करके बनाया गया था। इन दोनों प्रणालियों में काफ़ी समानताएं थी और थोड़ी बहुत असमानताएं भी थी, ठीक है। देखिए डॉक्टर ए एस ऑल्टेकर ने लिखा है कि जहाँ तक सामान्य शैक्षिक सिद्धांतों के प्रयोग की बात है, तो हिंदुओं और बौद्धों, यानी कि वैदिक काल और बुद्ध शिक्षा में कोई मुख्य अंतर नहीं था। दोनों प्रणालियाँ समान आदर्श और दोनों समान विधियों का अनुसरण करती थी। ये किसके द्वारा कहा गया, डॉक्टर एएस के द्वारा, कि बौद्ध शिक्षा और वैदिक शिक्षा में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं था, लेकिन फिर भी कुछ समानताएँ थी और कुछ असमानताएँ। तो दोनों शिक्षण विधियों में मुख्य समानता क्या थी, कि दोनों शिक्षण प्रणाली राजकीय नियंत्रण से मुक्त थी। कोई जरूरी है कि राजा जिसे चाहेगा वही पढ़ेगा, नहीं, ये राजकीय नियंत्रण से मुक्त थी। जो आचार्य लोग होते थे, जो मठों में पढ़ाते थे, जैसे वैदिक शिक्षा में जो आश्रमों में पढ़ाते थे, उनके ऊपर निर्भर करता था कि वो किससे पढ़ाते हैं और किस प्रकार से पढ़ाते हैं। यह राजकीय नियंत्रण से मुक्त थी दोनों शिक्षाएं, ठीक है। दोनों शिक्षा प्रणालियाँ मौखिक शिक्षण विधि का प्रयोग करती थी, मतलब विचारण करके, मतलब आपस में डिस्कस करके बौद्ध और मठों में पढ़ाया जाता था। तो ये दोनों शिक्षा विधियों में ये समानता थी। असमानता की बात करें तो एक बार फिर से याद रखिए, वैदिक कालीन शिक्षा के बाद से बौद्धकालीन शिक्षा आई है, ठीक है। तो अब इसमें असमानता देखिए, बौद्ध धर्म का उदय वैदिक धर्म के विरुद्ध प्रतिक्रिया के फलस्वरूप हुआ। इसका क्या मतलब हुआ, जो भी कमियां थी वैदिक काल में उसको पूर्ण करने के लिए, उसको हटाने के लिए वैदिक काल में, वैदिक काल और बौद्ध काल शिक्षा में कुछ असमानताएँ होना स्वाभाविक है। तो कुछ असमानताएँ क्या थी, तो सबसे पहले कि वैदिक काल में ना, जैसे वैदिक काल की शिक्षा केवल ब्राह्मणों, क्षत्रिय और वैश्यों के लिए उपलब्ध थी, जबकि शूद्रों को शिक्षा प्राप्त का अधिकार नहीं था वैदिक काल में। जबकि बुद्ध काल में क्या हुआ, बुद्ध काल में हर एक वर्ग को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। दूसरी बात, वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम अब संस्कृत भाषा थी, जबकि वैदिक काल में लोक भाषाएं तथा पाली तथा लोक भाषाएं क्या थी, शिक्षा के माध्यम थी। लोक भाषाएं मतलब जिस क्षेत्र में जो भी भाषाएं बोली जाती हैं वो, और पाली भाषा, जबकि वैदिक काल में क्या था, संस्कृत भाषा होती थी। तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी था और डिस्कस करने से ये चीज़ें क्लियर होंगी। 18वां प्रश्न अगर आप देखेंगे कि बैटिंग द्वारा विवरण पत्र 1853 से क्या तात्पर्य है, तो इसको समझने से पहले आपको 19वां प्रश्न समझना पड़ेगा, धारा 43वीं की व्याख्या। तो धारा 43वीं क्या थी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक घोषणा पत्र अध्यादेश जारी किया जिसको हम आज्ञा पत्र कहते हैं, उसमें एक धारा थी 43, और धारा 43 में क्या कहा गया था कि कंपनी 1 लाख रुपए खर्च करेगी भारत सरकार पे, ठीक है। तो वो भारत की शिक्षा पे 1 लाख खर्च करेगी, तो उसकी व्याख्या करने के लिए मैकाले को बुलाया गया। तो मैकाले ने अपनी भाषा में कैसे व्याख्या करी थी उसको यहाँ पे देखिए। तो मैकाले ने कहा था कि 1 लाख रुपए की जो धनराशि व्यय करने के लिए सरकार पर कोई प्रतिबंध नहीं है, वो इस धनराशि को अपने इच्छा अनुसार व्यय कर सकती है, ठीक है। इसमें कहा गया था कि यह 1 लाख रुपए
विद्वानों और सभ्यताओं पे खर्च की जाएंगी। तो यही यहाँ से विवाद हो गया कि हिंदी सभ्यता हिंदी विद्वान या अंग्रेजी सभ्यता अंग्रेजी विद्वान। इसी को मैकाले ने कहा कि साहित्य शब्द के अंतर्गत केवल अरबी और संस्कृत साहित्य ही नहीं अपितु अंग्रेजी साहित्य भी सम्मिलित किए जाएंगे। ठीक है, साहित्य की बात कीजिए। और विद्वान का मतलब भारतीय विद्वान मुसलमान मौलवी एवं संस्कृत के पंडित के अलावा अंग्रेजी और साहित्य के विद्वानों भी हो सकते हैं। तो मैकाले ने इस प्रकार से इसकी व्याख्या करी थी और बस इसी व्याख्या के आधार पर मैकाले की इस व्याख्या के आधार पर जो बैटिंग थे लॉर्ड बैटिंग उस समय के तत्कालीन गवर्नर जनरल उन्होंने एक अध्यादेश एक विवरण पत्र जारी कर दिया। उन्होंने मतलब मोहर लगा दी कि हाँ ये 1,00,000 रुपया इस प्रकार से खर्च करनी चाहिए। तो उन्होंने जो विवरण पत्र दिया वो मैकाले के सिफारिश के बाद ही दिया था, मैकाले की व्याख्या मैकाले के घोषणा पत्र के बाद ही दिया था। तो लॉर्ड बैटिंग ने मैकाले के विवरण पत्र में व्यक्त किए गए सभी विचारों का अनुमोदन किया। तदुपरांत 7 मार्च 1835 को एक विज्ञप्ति में उसने सरकार की शिक्षा नीति के अंतर्गत शब्दों में घोषित किया। ठीक है, अब वो क्या कहा था विवरण बैटिंग ने, बैटिंग ने कहा था कि शिक्षा के लिए निर्धारित संपूर्ण धन का सर्वोत्कृष्ट प्रयोग केवल अंग्रेजी की शिक्षा के लिए ही किया जा सकता है। क्योंकि मैकाले ने जो व्याख्या करा था ना वो उसने अंग्रेजी को बढ़ावा चढ़ावा दिया था, संस्कृत भाषा को उसने कहा था कि ये मरणासन पे है, संस्कृत सभ्यता बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, इसको ऊपर करना समय व्यर्थ करना है। तो उसी आधार पर बैटिंग ने मोहर लगा दी कि इन पैसों का सर्वोत्कृष्ट प्रयोग केवल अंग्रेजी शिक्षा के लिए किया जाएगा। ठीक है, तो इस विज्ञप्ति पे कंपनी की शिक्षा नीति सहसा परिवर्तन करके भारतीय शिक्षा के इतिहास में नया मोड़ ला दिया। ठीक है, टी एन सिकोवर के शब्दों में इस विज्ञप्ति ने भारत की शिक्षा के इतिहास को एक नया मोड़ दिया उस दिशा में विषय में जो सरकार सार्वजनिक शिक्षा देना चाहती थी। तो कहने का मतलब यह है कि मैकाले के विवरण पत्र के बाद से बैटिंग ने क्या किया, अपना विवरण पत्र दिया और यह निर्धारित किया कि कंपनी के द्वारा दिए गए 1,00,000 रुपये कैसे खर्च किए जाएंगे। तो 18 और 19 उम्मीद है थोड़ी बहुत समझ में आएगी। दोस्तों इस वीडियो को यही ख़त्म करेंगे। दो रीज़न है, पहला कि वीडियो अगर थोड़ी सी छोटी हो तो अपलोड करने में आसान होता है और दूसरा एक साथ आपको पूरा देखने का बर्डन नहीं होता, तो थोड़े थोड़े करके अगर हम प्रश्न डिस्कस करेंगे तो वो ज़्यादा सही रहेगा। दोस्तों अब प्लीज़ आपसे खास रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो का आप रिव्यू हमें ज़रूर करिए, आप लाइक करें या ना करें, सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन हाँ मुझे आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार होता है। तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको यह जानकारी कैसी लगी, कि सारे क्वेश्चंस जो मैंने अपनी भाषा में डिस्कस करी वो आपको कैसा लगा। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। आपके फीडबैक और आपके रिव्यू से मैं अपनी वीडियो में और सुधार करूँगा और आपके लिए और ऐसे वीडियोस लेके आऊँगा। बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के सारे सब्जेक्ट्स के ऐसे इस सीरीज को आसान से शब्दों में डिस्कस कर लिया जाएगा। डिस्कस करने का एकमात्र मकसद कि जब आप पढ़ें तो आपको आसानी से चीज़ें क्लियर हो जाए। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। कमेंट में अपनी राय जरूर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से नहीं जुड़ा है तो प्लीज़ उस रेड वाले आइकॉन को लाल वाले आइकॉन को क्लिक करिए और सब्सक्राइब करिए और घंटी वाले बटन को भी दबा दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्न संख्या 20 से। तब तक अपना खूब ख्याल रखिए। जय हिंद, बाय बाय, गुड नाइट।